ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। यू आप बेकार नहीं हो, हम तो वैसे ही वेरी गुड। तो ये है हमारा सेकंड डे वाल्दी फ्यूनस में। कल तो हम यहाँ पे आने के बाद कुछ कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और बहुत ठंडा था यहाँ पर, ठीक है। तो आज ये जो दिन है यहाँ पे हम कुछ कुछ जगह जाएंगे। तो ये इस होटल में जहाँ रुके हुए इसी के जस्ट बगल में एक सबसे फेमस चर्च है जिसको बोलते हैं मैग्डालिना चर्च। तो पहले हम ये विज़िट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस है तो यहाँ से हम हाइक करेंगे। तो बेसिकली ये जो हाइक रहेगा यहाँ से 8-9 किलोमीटर तक का रहेगा एंड वापस भी हमको उसी रास्ते से आना है। तो यानी कि आज का हमारा जो हाइक है वो समवेयर अराउंड लाइक 15-18 किलोमीटर्स का हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा रहेगा। तो अभी बजे हैं 9, तो नेक्स्ट आधे घंटे में हम हाइक के लिए निकलेंगे, उससे पहले जाएंगे चर्च। वाल्दी फ्यूनस की वादियों में क्या लग रहा है यार। बेसिकली हम लोग हाइक जो करने के लिए जा रहे हैं वो जगह का नाम है गाइजर अल, और जहाँ पे हम रुके हैं सेंट पेट्रो जगह से वहाँ से 7 किलोमीटर का दूरी की दूरी पर है। तो 7 किलोमीटर समवेयर अराउंड लाइक हम 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और ये अभी भी विंटर का टाइम है, आई थिंक विंटर एंड होने वाला है कुछ टाइम में, इसलिए आपको वहाँ पर स्नो दिख रही है। यूजली समर्स में आप आओगे आई थिंक मई ऑनवर्ड्स, तो स्नो नहीं दिखाई देगी वहाँ पर। ये ट्रेल है काफ़ी पीसफुल ट्रेल है, इनिशियली तो ये रोड बना हुआ है। तो अगर आपके पास प्राइवेट कार है या आप हायर करके आ रहे हो तो आप इस रूट से पार्किंग तक जरूर जा सकते हो। आई थिंक जेंसर आलम बोलते हैं उस पार्किंग को, उस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करिए और वहाँ से आपको सिर्फ 5 किलोमीटर पड़ता है गाइजर आलम जाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास तो गाड़ी है नहीं और हम हाइक में बिलीव करते हैं, तो हम करेंगे यहाँ से हाइक। आप लोग अगर इटली का प्लान बना रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी न किसी तरीके से 2 से 3 दिन आप अपना ऐड कर लो डोलोमाइट्स के लिए। डोलोमाइट्स में काफ़ी जगह है, ये है वाल्दी फ्यूनस ऐसी जगह है, लाइक सचीडा, ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं। आप अपने आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा लैंडस्केप देखना चाहते हो, तो उस हिसाब से उस जगह पर जा सकते हो। और जब आप गाइजर अल की तरफ जा रहे हो इस वाल्दी फ्यूनस में ही एक है ये सेकेंड चर्च, अच्छा जो मैंने आपको पहला दिखा था वो सेंट मैग्डालिना, और ये है सेंट जियोवानी चर्च और इसको सेंट जोहान चर्च भी बोलते हैं। तो बेसिकली वो चर्च है एंड जो लैंडस्केप है इसका बहुत ब्यूटीफुल है, उसके आसपास जो ग्रीनरी है। तो धीरे धीरे आपका रोड का ट्रेल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ कच्चा रोड आ जाएगा, उसके धीरे धीरे आप फॉरेस्ट में घुसोगे। ऑल गुड, मज़ा आ रहा है हाइक में? हाँ बहुत। You're excited? So far.
ये ट्रेल चलते चलते काफ़ी खूबसूरत होते जा रही है। 2 घंटे चलने के बाद हम आ गए ऑलमोस्ट गाइजलर आल्म के बेस पे। राजा आ जाओ, ऑलमोस्ट बस यहीं है आगे। सोनी को नीचे से दिख गया था। Oh, beautiful. Look at that. Amazing. मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइम में। भाई देखो यार, अमेजिंग है गाइजलर आल्म, क्रेजी यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। Look at those mountains. Hey, were you hiking over there? Yes. Straight under the mountain. And how long is that hike? And that's to great. The other Alma. It's 2 hours. 2 hours. So you're coming right from there and you hiked all the way till here. Okay. So you started from there, you're ending it here. No. Uh-huh. We started down park. Okay. Uh-huh. It's 1.5 hours. Okay. 600 meters we arrive here. Mm-hmm. So that 1 point. 5 kilometers. Five hours. okay. These are two here. Now. Crazy. That must have been very beautiful, right? Arrive behind these trees. Okay. Alpine trees. Right. Under, because after that there's A drop. Yes. Got it. I see. Go down. 10 minutes. And you have a view of the valley, uh-huh. The mountain, that is very good. Beautiful. So attention with the... Yes, I know. You need crampons. Micro spikes. Yes. Yes, yeah. You're native of Italy? I don't understand. Are you from Italy? Italian? Yes. Okay, nice to meet you. Hi. Piacere. Deepak here, from India. Yeah. Daniele. Okay, carry on. Thank you. Bye-bye. Wow. Crazy. बेंचेस वगैरह दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बना रखा है। ये है भाई गाइजल आल्म अप्रैल के मंथ में।